उसी तरह से देखो, या तो आप कॉफी ले लो $2 की, जैसे यहाँ पे देखो एक बड़ी पिज्जा की स्लाइस $7 में दे रहे हैं। इतनी ठंडी हो रही है, मेरा हाथ ऑलमोस्ट लगभग जम गया है। ठीक है, अभी देखो इधर जापानीज खाना है, न्यूयॉर्क पिज्जा। यहाँ से देखो दोस्तों, ये वही पराठे वाली गली जो मस्त हीटर वीटर लगे हुए हैं अभी, क्योंकि ठंड हो रही है। ये देखो इनके सारे मेन्यू एक्चुअली ऑलमोस्ट $10 के अंदर आए थे। अपने इंडियन लोग जो यहाँ सिटी में काम करते हैं ना, वो जाते हैं। जैसे अभी मेरे को पता लग रहा है कि मेलबर्न की ठंड कैसी होती, मैं तो भूल गया था। देखो इन्होंने बाहर ही मेन्यू लगा रखा, आपको आइडिया लग जाएगा। पब्लिक क्या हो रहा है, सब कैसे हो? मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाऊं। वापस आज सिटी में ऑफिस में आया हुआ था, तो मैंने सोचा आपको बताऊं। लंच वगैरह के लिए मैं निकल रहा था कि क्या किस तरह का लंच होता है यहाँ पे, किस तरह का फूड आपका होता है और क्या क्या कॉस्ट होती है अलग अलग चीजों की। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है एक्चुअली सिटी में आज, तो मेरे ख्याल से 2 डिग्री कुछ होने वाला है। और है ना, मैं जैकेट भी लाना भूल गया, बस ये जंपर ही पहन रखा है मैंने जल्दी जल्दी में। एनीवेज, कॉफी ले ली थी यहाँ पे, ठीक है, 7-Eleven से कॉफी ले ली थी। यहाँ पे सबसे सस्ती ये कॉफी जो आपके 7-Eleven पे ही मिलती है $2 की। एक बार चल के तुमको जल्दी से दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये कॉफ़ी भी होती है $2 की, उसके साथ कई बार ऑफर में केक स्लाइस वगैरह भी मिल जाता है $2 में। उसी तरह से देखो, या तो आप कॉफ़ी ले लो $2 की, उसके साथ में $2 का आपको मफिन भी मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन तो हो गए दोस्तों तुम्हारा सुबह सुबह जब आते हो तो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए। लेकिन मेरा तो अभी दोपहर हो गई थी, लेकिन इतनी ठंडी हो रही थी मैंने सोचा कॉफ़ी में मैं भी ले लूँ। $2 में अपने को कॉफ़ी मिल गई। यही कॉफ़ी अगर आप यहाँ पे स्पेशलिटी शॉप से लोगे या किसी डेडिकेटेड कॉफ़ी शॉप से लोगे तो आपको $4.50 $5 के करीब मिलती है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा साइज लेते हो ना। कई जगह पे $3.50 में भी मिल सकती है, बाकी 7-Eleven पे सस्ती मिलती है और नॉट बैड है, मतलब नॉर्मल होती है। ऑफ कोर्स अब इतना तो मैं कॉफी का फैनेटिक हूं नहीं कि एकदम फुल ऑन टेस्ट डिफरेंस बता दूं, पर हाँ अगर $4-5 स्पेंड करो थोड़ी सी अच्छी कॉफी मिलती है। कई लोगों को पसंद आती है वो नॉर्मल कॉफी लेते हैं। एनीवेज, कॉफी से आगे बढ़ते हैं। अगर आप लंच में जाओगे तो आप बहुत सारी शॉप्स होती है यहाँ पे, जैसे एक वापियानो है, ये थोड़ी बढ़िया सी डेडिकेटेड सी शॉप है। यहाँ पे अंदर बार वगैरह भी होता है, पिज्जा वगैरह खा सकते हो। और यहाँ पे आपके पिज्जा होते हैं लगभग, पहले ये रेट वेट लगा के रखते थे, अच्छा लगा रखा है इन्होंने। देखो यहाँ पे अगर आपको जाके प्रॉपर पिज्जा खाना है तो इट्स अराउंड $20 से $25 के बीच में, क्योंकि थोड़ी सी फैंसी सी शॉप है, ठीक है। वहाँ पे आराम से बैठने को मिलेगा आपको, लाइव अंदर अच्छा सा माहौल रहेगा। उसी तरह से आप देखो यहाँ पे रोल वियतनामी शॉप है, ठीक है, ये इस तरह के रोल्स वगैरह बनाते हैं, थोड़ा हेल्दी वाला सेक्शन होता है इनका, वेजिटेबल रोल्स और मीट वगैरह के साथ में बनाते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, थोड़े टाइम पहले तक ऐसा होता था कि आपका जो लंच होता था वो लगभग $10 में आपको कोई भी आइटम मिल जाएगा जो आपको खाना हो, ठीक है। लेकिन ये प्री कोविड के बाद, पहले की बात है, कोविड के बाद में क्या हो गया, सब चीज़ों के प्राइस बढ़ गए। अभी लगभग आपको $15-1 तो स्पेंड करने पड़ेंगे बाहर कहीं पे भी, अगर डिसेंट सा लंच आप लेने जा रहे हो तो, ठीक है। स्नैक भी लो तो आपका $10 हो जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते और देखते और क्या क्या ऑप्शन है। अभी मैं आपसे बात ही कर रहा था, इसी बीच में मुझे स्कैम कॉल आ गया है इंडियंस का। अपना इंडियन मेरे को कॉल करके बोलता, हेलो ड्यूड आई एम कॉलिंग मार्टिन। मैंने बोला मार्टिन? मैंने बोला भैया अपना असली नाम तो बताओ। ओह नो 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 आई एम मार्टिन। खूब मजे लिए मैंने उसके, फिर बाद में फ़ोन काट दिया। खैर छोड़ो। हाँ अब देखो दोस्तों, लंच में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप कुछ क्विक कहीं से भी उठा के ले लो, एक सैंडविच ले लो या कुछ भी ले लो, सुशी ले लो, उस तरह की कोई चीज़ ले लो आप, या बर्गर वगैरह ले लो और जाके खा लो, कहीं पे भी बैठ के खा लो। यूजुअली लोग, कई लोग ऐसा भी करते हैं कि शॉप से उठाया कुछ भी स्नैक और जाके कहीं पार्क वार्क में बैठ के खा लिया, जॉब पे जाके खा लिया, या कई बार ऐसा होता है कि आपकी सीटिंग वाली जगह होती जहाँ पे आप अंदर जाके बैठ जाओ। प्राइस में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप स्नैक वगैरह लोगे लोकल के लिए एक छोटा वाला, ठीक है, तो वो भी वो $10-12 का पड़ेगा। कहीं अंदर जाके भी बैठोगे तो आपको $10-15 में एक कोई बढ़िया डिश भी मिल जाएगी, ठीक है। फ्रेंड्स लोगों के साथ में जा रहे हो तो किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, अंदर मस्त वहाँ बैठ के खाओ। तो हमारा क्या होता है कि हमारे यहाँ पे एक बहुत ही फेवरेट चाइनीज़ प्लेस है यहाँ पे, जो मैं हमेशा आता हूँ, उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट चाइना, ठीक है, दिखाता हूँ। हाँ भैया, तो हम फ्रेंड्स के यहाँ पे इस शॉप पे बहुत आते थे, नॉर्थ ईस्ट चाइना फैमिली एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, लेकिन बहुत ही मस्त चाइनीज़ बनाता है, ठीक है। तो ऐसा प्रॉपर सीटिंग वाला रेस्टोरेंट हो तो हम फ्रेंड्स लोगों के साथ में आते थे, अंदर बैठते थे, बढ़िया गप्पे शप्पे बनाते हैं और खूब लंच वंच खाते हैं अंदर। ये बहुत रीजनेबल भी था और बहुत ही टेस्टी था यार। चाइनीज़ जैसी चीज़ें शुरू में मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, ऐसा लगता था क्या हॉट टेस्ट है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में आपका टेस्ट डेवलप होता है, उसके बाद तो भाई मतलब बहुत सही चीज़ होती है चाइनीज़। ऐसे ही नहीं बोलते लोग चाइनीज़ टेक आउट खाओ, मतलब बहुत मस्त खाना बनाते हैं वो भी। तो वो हमारी एक फेवरेट प्लेस है। तो अगर बैठने जाना हो तो आप ऐसी किसी भी जगह साथ जा सकते हो कि किसी थाई रेस्टोरेंट में चले गए, ठीक है, वहाँ पे कुछ ले लिया आपने, लंच वगैरह का मेन्यू होता है उनका, या अगर आपको चलते फिरते कुछ खाना है तो सैंडविच वगैरह, बुगे वगैरह, सैंडविच वगैरह या ऐसा कुछ ले लिया आपने, रैप वगैरह ले लिया, ठीक है। अभी मैं उधर आगे चलता हूँ, आपको और ऑप्शंस दिखाता हूँ किस किस तरह का लंच वगैरह आप खा सकते हो और उनका प्राइस कितना होता है आसपास लगभग। इतनी ठंडी हो रही है, मेरा हाथ ऑलमोस्ट लगभग जम गया है, मतलब ऐसा हो रहा है। अभी मेरे को पता लग रहा है कि मेलबर्न की ठंड कैसी होती, मैं तो भूल गया था क्योंकि भी बहुत लेट आई है इस बार ठंड, लेकिन फाइनली आ गई है।
चलो अब आपको ऑप्शंस दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या है, ठीक है खाने के। तो खुद को भूख लग रही है तो मेरे को अपने लिए भी कुछ ना कुछ देखना है, तो पहले अपन यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको क्विक टेक अवे के हिसाब से कुछ लेना हो तो ऐसा पास्ता वास्ता ले सकते हो, बॉक्स में दे देते हैं, या पिज़्ज़ा वगैरह की स्लाइस ले सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो एक बड़ी पिज़्ज़ा की स्लाइस $7 में दे रहे हैं, मतलब लंच के हिसाब से आपका पेट भर जाए। अब ये देखो इधर इनके फुल पिज़्ज़ा लेना आपको 12 इंच $19 का, 15 इंच जो है $26 का है, तो इस तरह के आसपास प्राइस है। फुल पिज़्ज़ा तो कौन खाएगा, लेकिन एक बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और ऐसी स्लाइस भी ले सकते हो आप, जैसे इसकी सिंगल स्लाइस $550 की मिल रही है मार्गरेटी पिज़्ज़ा की, दो स्लाइस में आपका लंच का काम हो जाएगा, यानी कि लगभग $10 के आसपास, ठीक है। मुझे पिज़्ज़ा खाना नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो रहा हूँ अभी, और हेल्दी चीज़ खानी। भाई ये चार टाइम का इधर इतना भयंकर कल्चर है, लोग मतलब कि एडिक्ट हुए पड़े हैं। ये मालूम जो चाय, ये जो ऐसी होती है ना कोल्ड टी जो बना के देते हैं, मैंने भी यहाँ पे पी और भाई बहुत टेस्टी होती है, बहुत यमी होती है, और यहाँ पे बहुत कल्चर है, लोग लाइन लगा के पीते हैं, ठीक है। अभी देखो इधर जापानीज़ खाना है, अब जापानीज़ खाने में देख लो आप, ये एपेटाइजर्स है, ठीक है। यहाँ पे बेंटो बॉक्स है, इसमें सारा इस तरह का मिक्स मिल जाता है आपको, वेज नॉन वेज सब में मिल जाता है। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन देखो $17 के आसपास मिल रहा है लंच में आपको। इधर से कुछ लोग है तो करी फ्लेवर वाले इसी चीज़ मिल रही है $15 में, तो आपको वैरायटी सारा खाना मिल जाएगा वर्ल्ड का। मेलबर्न की स्पेशलिटी ये, और मेलबर्न की स्पेशल चीज़ ये कि भाई यहाँ पे आपको टोटल सारे वर्ल्ड का सारा खाना मिल जाएगा, और सभी तरह के रेस्टोरेंट होते हैं यहाँ पे, और फूड कल्चर में मेलबर्न वैसे भी बहुत आगे है, ठीक है। तो अभी मैंने दिखाया आपको जापानीज़, थाई, चाइनीज़, क्या खाना आपको सारी वैरायटी मिलती है। तो अगर आप फूड लवर हो और फूड एक्सप्लोर करना हो तो मेलबर्न सिटी आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी, ठीक है। चलो अभी आपको जापानीज दिखा दिया, आगे देखते हो क्या क्या ऑप्शन है। देखो अगर आप एकदम सिंपल सा कुछ खाना चाहते हो, ठीक है, तो ऐसी कॉफ़ी शॉप्स होती है, कॉफ़ी शॉप से भी फिर इस तरह के सैंडविच वगैरह होते हैं थोड़े बने हुए हैं। अगर आपको एकदम लाइट एंड ईजी कुछ खाना हो तो ये भी आपका ऑप्शन होता है, $10 से $15 में एक कॉफ़ी आ जाएगी, एक सैंडविच वगैरह आ जाएगा, काम हो जाएगा। ये देखो भाई एक और चाइनीज़ जगह है यहाँ पे सब डीप फ्राइड उस टाइप का स्टफ़ मिल रहा है, मीट वगैरह, चिकन वगैरह, छोटा सा स्टोर है लेकिन यहाँ से भी आपका काम बन जाएगा। अब ये देखो सेल्स ऑथेंटिक न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा, यहाँ से मैंने एक्चुअली लास्ट वीक एक स्लाइस खाई थी। ये इनके पिज़्ज़ा की ना स्लाइस बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबी सी होती है, ठीक है। यूजुअली यहाँ पे क्या न्यूयॉर्क में ऐसे ही चलता, पूरा पिज़्ज़ा नहीं लेते लोग, एक स्लाइस लेते। तो ये देखो आप इनका मेन्यू होपफुली आपको दिख रहा होगा, $6 की एक स्लाइस है, $21 का फुल पिज़्ज़ा है, $35 का बड़ा वाला पिज़्ज़ा है। तो आप चाहो तो पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा की भी एक स्लाइस ले लो लंच में जाते करते, और आपका काम बन जाता है। देखो भाई चाइनीज़ दिखाया, जापानीज़ दिखाया, अब उसी तरह पे ये पटांग थाई रेस्टोरेंट भी है। हॉट मील वगैरह आपको कुछ खानी है तो थाई रेस्टोरेंट में जाओ, मस्त ऑर्डर करो, कुछ टॉम यम सूप वगैरह खा लो। मैं भी जाता हूँ, मुझे भी कुछ ना कुछ वेजिटेरियन ऑप्शन मिल ही जाते हैं और अच्छे होते हैं। देखो इन्होंने बाहरी मेन्यू लगा रखा, आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे आप लंच में आ रहे हो स्टर फ्राई नूडल वगैरह खाओगे तो $20 में मिल जाएगी, आराम से बैठ के आओ फ्रेंड्स के साथ में, $20 में मस्त लंच वंच करो, बात बात करो, और आपका काम हो जाता है। तो मतलब दोस्तों $15 से $20 अगर आप थोड़ा ठीक सा कहीं पे जाके बैठ के खाना चाहोगे तो लंच हो जाता है उसमें आपका। आपको सस्ते में करना हो तो $10 से $12 में भी आपका कुछ टेक अवे फटाक से कहीं से लेके जा रहे हो तो उससे भी आपका काम बन जाता है, ठीक है। और ऑप्शन देखते हैं अपने पास क्या क्या आगे जाके। देखो दोस्तों ये वही पराठे वाली गली जो जिसका मैं बोल रहा था ना, यहाँ पे क्या है सारे लाइन से रेस्टोरेंट लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे बीच में इन्होंने हर रेस्टोरेंट ने अपनी सीटिंग बना रखी है, और यहाँ पे इंडिया की तरह यहाँ पे देखो कोई लोग होते हैं जो बुलाते हैं आपको कि हमारे रेस्टोरेंट में आ जाओ बैठ जाओ, क्या खाना है क्या नहीं खाना। मस्त हीटर वीटर लगे हुए हैं अभी क्योंकि ठंड हो रही है। यहाँ पे देखो बियर वियर भी चल रही है, कहीं पे मिलती है। ये थोड़ी सी हैपनिंग सी जगह लगती है थोड़ी सी, क्या यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं और सब लोग मिल के बैठ के खाते हैं। ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको सारे, ये सारे इनके छोटे छोटे कैफेज़ और रेस्टोरेंट वगैरह, तो यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। देखो कई चीज़ों के इनने मेन्यू लिख रखे हैं यहाँ पे, ये तो सारे ड्रिंक्स के मेन्यू हैं, बट उसी तरह देखो खाने के मेन्यू देखो, क्योंकि ये थोड़ी प्रॉपर प्लेस है, प्रॉपर सिटिंग के लिए अच्छी जगह पे बनी हुई है, थोड़ी शो ऑफ वाली है, तो नॉर्मल के मुकाबले थोड़ी एक्सपेंसिव है। मतलब यहाँ $20 से $25 में आपका लंच हो सकता है। तो हीटर चल रहा है भाई, वो हीटर के पास से गुजर रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, हाथ फ्रीज हो गए थे मेरे थोड़े से, हाथ सेक ले तो। ये भी थोड़ी फैंसी सी प्लेस है, तो यहाँ पे देखो पास्ता, रिजोटो, इटालियन वाले सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। ये इटालियन खाने टाइप का है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन $20 से $25 के आसपास का मेन्यू है। तो यहाँ पे आओ तो थोड़ा लगे कि हाँ मतलब हम मेलबर्न जैसी सिटी में जाके इन्जॉय कर रहे हैं। आपकी इंस्टा की फोटो आप खींच के डाल सकते हो, आपकी सोशल मीडिया पे मतलब वो हो जाएगी, झांकी बन जाएगी आपकी, लोग अप्रिशिएट करेंगे, वो ऐसी वाली जगह है, ठीक है। अगर आप भाई अकेले हो, छोटा मोटा बस लंच पेट भरने के लिए खाना है, तो कोई भी सैंडविच ले लो, कोई भी एक छोटा सा कुछ ले लो, खा के पेट भर लो। तो मैं इसलिए आपको सब तरह के ऑप्शन दिखाने जा रहा हूँ क्या क्या होते हैं, ठीक है। दूसरी साइड है वो उसी गली की, लेकिन इधर क्या है कि ये जो एरिया होता है ये मोस्टली लंच टाइम पे बिजी होता है, क्योंकि अभी लंच टाइम हो चुका है इसलिए सारे क्वाइट डाउन हो गए। बट यहाँ पे ये जो ऐसी छोटी शॉप्स होती हैं इन पे इस तरह की चीज़ें होती है कि कोई रैप वगैरह रख दिया। अभी जो ये होते हैं कि फटाक से तुमको कहीं से टेक अवे लेके जाना, तो $9, $9.50 के आसपास के रैप्स है, ठीक है। ये ले लिया आपने यहाँ से, फटाक से जाओ कहीं भी लेके बैठ के पेट भर सकते हो आप अपना।
ये मतलब ऑन द गो वाली चीज है, ठीक है, लिया और चलो वाला कहीं से भी। यहाँ पे भी काफी सारी छोटी छोटी सी जगह है, छोटे छोटे से कैफे हैं, ठीक है, ये अलग अलग तरह की चीज करते हैं। अभी देखो ये बंदा है जो सूप वगैरह देता है, ठीक है, और अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो सूप वगैरह की काफी डिमांड होती है। ये देखो ग्राफिटी ग्रुफुटी पूरी कर रखी है यहाँ पे मेलबर्न की गलियों में। ये शॉप बहुत ज्यादा चलती है यार, देखते हैं इसका कुछ, यहाँ से मैं कुछ ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे इतनी लाइन लगती है। देखता हूँ भाई अपने को क्या मिल सकता है। देखिए ये पेटी बुगेट मिलता है, ब्रेड ब्रेड में कुछ डाल के देते हैं, अपन भी एक ही लेते हैं आज पर, इनका ट्राई करते हैं कि भैया ऐसी क्या चीज है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ लगती है। ठीक है, वो पहले ले लेते, पहले थोड़ा आसपास और दिखा देता हूँ आपको वो करने से पहले। ये देखो एक छोटी सी कॉफी शॉप है, छोटी छोटी सी मतलब हिपीस टाइप का एरिया बना हुआ। देखो इस तरह के सैंडविच वगैरह आपको सारे मिल जाते हैं, वेजीज वेजीज में भी मिल जाता है, नॉन वेज भी ऑप्शन मिल जाता है। इनका प्राइस करीब वही $8 to $12 के बीच में होगा, डिपेंडिंग ऑन आप क्या चीज़ ले रहे हो। एक खाने वाने के बीच में एक हिप्पी सी शॉप भी आ गई कपड़ों के लिए, और एक जूस बार भी आ गया। और मैं ये इस जगह पे हूँ, ये है फ्लिंडर्स लेन पे, मतलब फ्लिंडर स्ट्रीट के साइड में, एकदम मेन स्पॉट ही है सिटी का ऑलमोस्ट, ऐसा मान के चलो। तो मैंने ये वाला लेके रहा है, इनसे एग प्लांट मतलब अपना बैंगन को स्निट्जल की तरह, चिकन स्निट्जल की तरह सेक के मतलब ये दे रहे हैं, लेकिन इनकी बेकरी वगैरह होती है इस कारण से फ्रेश प्रोडक्ट होता तो अच्छा होता है। अभी ये $7 का, ठीक है, कोई बंदे लंच में इतना भी खाएगा, चीप भी है काफ़ी एक्चुअली दूसरी शॉप्स के मुकाबले। सारे ऑप्शंस आपके $7 में लगे हुए हैं, मतलब लंच में खाना आपका थोड़ा हेल्दी भी ऑप्शन है, फटाक से आओ लो चलो काम बन जाता है तुम्हारा। ये देखो इनके सारे मेन्यू एक्चुअली ऑलमोस्ट $10 के अंदर है, आई थिंक वो भी एक रीज़न होगा कि यहाँ पे इतनी भीड़ लगती है। हाँ दोस्तों, तो होपफुली आपको थोड़ा आइडिया लगा होगी कितने की चीज़ें होती, कितने का लंच मिलता है यहाँ पे। $10 to $15 में आप अगर टेकअवे वाला ले रहे हो तो मिल जाता है, कहीं अच्छी सिटिंग में बैठना हो तो आपको $15 to $20 में हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हमें सारे ऑप्शन तो आपको यहाँ के बता नहीं सकता, लेकिन जैसे इंडियन भी रेस्टोरेंट्स होते हैं अपने, इंडियन भी आपको खाना, मान लो आपको कुछ डोसा लेना है, कुछ बिरयानी वगैरह लेना है, वो भी आपको $15 के आसपास पड़ जाती है। और कहीं ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे स्पेशल लंच में भी चलाते हैं कि लंच में थाली वगैरह देते हैं आपको ना, एक दो करीज दे देंगे, उसके साथ में कुछ रोटी वगैरह दे देंगे, चाय वगैरह दे देंगे। वैसे भी कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं जो अपने इंडियन लोग जो यहाँ सिटी में काम करते हैं ना वो जाते हैं, जैसे एक हो गया डोसा हट, मिल गया भाई अपना, हो गया चलो इसको लेके चलते हैं। हाँ तो मैं बता रहा था कि जैसे इधर आगे जाओगे ना स्ट्रीट पे तो आप डोसा हट, एक दिल्ली नाइट्स या दिल्ली रॉक्स करके ऐसे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जो लंच के लिए भी आपकी स्पेशल डील रखते हैं। कई बार पहले तो $10 में होता था, अभी शायद $12-$13 होता होगा। वहाँ पे जाओ, दो तीन कैरीज भी देते हैं आपको, अनलिमिटेड रोटी भी देते हैं, चाय वाय भी देते हैं अगर आपको इंडियन खाना हो तो वैसा वाला, ठीक है। उसी तरह से भी यहाँ पे लंच के ऑप्शन में आपकी नॉर्मल फूड चेन्स भी होती है, KFC हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, हंग्री जैक्स हो गया। उसमें तो क्या यार, मैं वो प्रीफर करता नहीं हूँ खाना ज़्यादा, मैं तो कुछ फ्रेश ही खाना प्रीफर करता हूँ, क्योंकि जो सारी फूड चेन वाले जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उतना हेल्दी नहीं होता खाने में, तो ये जैसे थोड़ा कंपेरेटिवली ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को आइडिया लगा होगा कि यार किस तरह का लंच मिलता है यहाँ पे, किस तरह का खाना मिलता है। अगर मेरे से कुछ स्पेसिफिक चीज़ मिस हो गई है या आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पता करना है, ठीक है, तो प्लीज़ इसमें कमेंट डाल दो नीचे, और मैं उसका भी थोड़ा आपको प्राइस या डिटेल कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो अभी इस वीडियो को मैं करता हूँ रैपअप। एक्चुअली रैपअप करने से पहले, जाने से पहले आपको कुछ एक दो शॉप और दिखा देता हूँ, कुछ एक दो खाने के ऑप्शंस और दिखा देता हूँ सामने ये जो यहाँ पे, ठीक है। जैसे अभी ग्रिल्ड करके हो गया, ये भी क्या बर्गर प्लेस होती है, ये भी वैसे फ्रेंचाइज होती है, चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स की होती है, ठीक है। और क्या अब इस तरह की जगह पे तो आपको बताने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो नॉर्मल सेट ही होता है, पर वहाँ पे भी आपको मतलब बर्गर विद चिप्स और ड्रिंक्स के साथ में आप भी डील लोगे तो आपको $17 to $20 में मिल जाती है, ठीक है। ये भी एक और है मेट्रो बर्गर्स करके, ठीक है, $22 में बता रहे हैं इनका स्पेशल टजमैनियन सामन बर्गर्स, मतलब $20 के आसपास आपको यहाँ पर बर्गर की भी मील मिल जाएगी अगर आपको उस तरह का फूड खाना है तो। मैं तो प्रीफर करता हूँ लोकल शॉप से खाओ, अच्छा जेन्युइन अच्छा खाना खाने को मिलेगा। ये देखो आइसक्रीम शॉप है, बाप रे इतनी ठंड में कौन खाएगा आइसक्रीम। भाइयों कुल्फी जम रही है, बहुत भयंकर ठंड हो रही है। अपन एकदम फ्लिंडर स्ट्रीट मेन स्पॉट पे आ गए, इधर जो मेलबर्न का जो फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन है, ये देखो साइड में ये दिख रहा है, ये पूरा इनका हेरिटेज वाला जो फ्रंट है फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन का बना हुआ है, इसको तोड़ते नहीं है। यहाँ पे आगे कुछ दो चार और ऑप्शन है खाने के, वो भी आपको बता दूँ ताकि थोड़ा आपका कंपेयर हो। फिर से एक और बार बोलूँगा, मैं फुल पूरा मेलबर्न सिटी तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आपको आइडिया दे दिया क्या क्या आपके लंच के ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। प्रॉपर रेस्टोरेंट में भी जा सकते हो, छोटा मोटा कैफे से भी उठा सकते हो, तो प्राइस का भी आपको आइडिया लग ही गया होगा। एक दो ऑप्शंस मैं आपके लिए और कवर कर देता हूँ सामने, क्योंकि अभी सब मैंने थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन कर दिया, थोड़ा कुछ जंक में भी ऑप्शन होता है, जंक मतलब कि थोड़ा सा अनहेल्दी फूड में भी ऑप्शन होता है आपका करने के लिए, थोड़ा चीप भी मिलता है। फिर से देखो लोगों, ये इस तरह के जो रैप्स होते हैं, इस तरह के जो सैंडविचेस होते हैं, ये आप उठा सकते हो। देखो $12 to $13 में सारे लगे हुए, अलग अलग चिकन वीकन आपको मीट वगैरह में खाना या वेजिटेरियन भी ऑप्शन होते हैं। उसी तरह से एक जापानीज रेस्टोरेंट बना हुआ है, यहाँ से आप सुशी वगैरह ले सकते हो, ठीक है।
अगर स्वीट पसंद है आपको तो ये शॉप होती है यहाँ पे से, तो मतलब मीठा डोनट्स वगैरह उस तरह की सारी चीज़ें मिलती है। उसी तरह से अगर आपको बर्गर्स वगैरह खाना हो तो एक लॉर्ड ऑफ द फ्राइज होता है, ये सारा टोटल वेजिटेरियन बर्गर्स रखता है, मतलब फेक मीट वगैरह रखता है, फेक चिकन बनाते हैं प्लांट से, फेक बीफ वगैरह बनाते हैं और वैसे वाले बर्गर रखते हैं, पर टोटल वेजिटेरियन होता है, तो यहाँ से भी ले सकते हो आप। उसी तरह देख लो एक और ऑप्शन है जैसे बर्गर्स एंड फ्राइज का, ठीक है, यहाँ पे देख लो आप इनका ऑप्शन लगा हुआ है चिकन वेजी, तो ये बर्गर से आप चिप्स और ड्रिंक्स के साथ में मान लो $16-17 में लगे हुए, ठीक है, अलग अलग ऑप्शन, तो ये भी आप एज ए लंच ले सकते हो। ये एकदम मेन स्पॉट है ना फ्लिंडर स्ट्रीट इधर का। फिर आपके नॉर्मल ये वाली चेन तो होती है, ठीक है, सबवे वगैरह हो गए, सबवे भी अगर आप एक फुट लॉन्ग सबवे लोगे तो आपको पड़ेगा करीब $15 का, भाई एक टाइम पे $8-9 में पड़ता था, अभी $15 का हो गया, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों अगर आपको कोई भी ऐसे चेन वाली जगह से आप लेना चाहो, जैसे हंग्री जैक्स, ये साइड में देखो आप, इधर हंग्री जैक्स भी है, मैकडोनल्ड्स भी, यहाँ से कोई भी मील लोगे तो आप कंपेरेटिवली आपको नॉर्मल रेस्टोरेंट के सस्ते मिलेगी, बट ये टेस्टी तो होती है बट हेल्दी बिल्कुल नहीं होती, तो मेरा तो कम ऑप्शन होता है उसमें, लेकिन जल्दी आपको कहीं से जाना, जल्दी से निकल के जाना, जल्दी रेडी हो जाती है वहाँ से, फट से लो और फट से काम बन जाता आपको, हर जगह अवेलेबल होती है। लेकिन अगर आप सिटी जैसी जगह में आए हो तो फिर ये वाला चेन से क्या खाना है यार, कोई अच्छा कैफे वगैरह ढूंढो, कोई अच्छी जगह ढूंढो और वहां से खाना लेना चाहिए आप। उसी तरह से देखो ये सुशी हब है, तो जापानी सुशी वगैरह का भी ऑप्शन होता है, अगर आपको एकदम लाइट एंड इजी कुछ खाना हो तो ये देखो $3-3.5 में एक सुशी आती है, ठीक है, दो सुशी अगर आप लोगे तो आपका पेट भर जाता है उससे और $7 में काम हो जाएगा आपका। KFC वगैरह चेन का तो मैंने आपको बता ही दिया, मैं तो प्रेफर करता नहीं हूँ, बट अप टू यू। सिमिलरली नैंडोज वगैरह इन जगह से भी अगर आप खाना लोगे, नैंडोज, KFC इन जगह से भी, तो भी आपका मतलब $15 के आसपास में मिल जाएगी आपको लंच मील। हाँ तो दोस्तों होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा, यहाँ पे आज सिटी घूम ही रहा था तो मैं आपको बता दूँ कि भाई खाने का कितना खर्चा होता है, लंच वगैरह का कितना खर्चा होता है। ब्रेकफास्ट थोड़ा सा कंपेरेटिवली चीप होगा, अगर आपको एक कॉफ़ी और एक सैंडविच लेनी है तो आपको ऑलमोस्ट $10-12 में काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपको लंच खाना है तो आप मतलब $15-20 मान के चलो, डिपेंडिंग ऑन जगह आपको थोड़ा सस्ता भी मिल सकता है, $10-12 में भी मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर लंच का खर्चा होता है। मोस्टली तो वैसे मैं जब आता हूँ तो घर से कुछ ना कुछ लेके आता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, दोस्तों लोगों के साथ कैचअप हो रहा, सब लोग मिल के जा रहे हैं मस्त कहीं पर लंच कर रहे किसी जगह पर बैठ के, तो इतना $20 के आसपास आपका खर्चा होता है। अभी तो मैं सिटी आने वाला हूँ पूरी जॉब के चक्कर में, तो सिटी के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना हो तो वो सारी फुल डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो चलो बने रहो इसी तरह से, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कुमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और क्या वो नोटिफिकेशन वगैरह के बेल आइकन होते हैं वो भी दबाई दो ना यार, आए हो तो क्या है मतलब, ठीक है। चलो मेरा भूखे ठंडा हो, उससे पहले मुझे इसको खाना है, चलो मैं इसको डिवाउर करता हूँ और अपन मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। मस्त सैंडविच है देखो भाइयों, एक प्लांट है मतलब चिकन स्निट्जल टाइप बनाया उन्होंने, वेजीज भी है और एकदम फ्रेश ब्रेड है, तो $7 में तो नॉट ए बैड डील है यार। पराठे वाली गली में जाओ आप, आपको भी मिलेगा इस तरह का खाने को।